सर डन हो गया बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट लिखिए थर्ड नंबर, नंबर थ्री। थर्ड नंबर पे लिखिए, व्हेन फोर साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। सिचुएशन में क्या हो रहा होगा भाई? कुछ कंडीशन इस टाइप से बन रही होगी, सारी की सारी साइड्स गिवन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लो ये साइड लेंथ ए है, ये बी, ये सी और ये डी है, और एक ये वाला डायगोनल भी दे रखा है क्या ई। क्लियर वाली बात बेटा? यस सर। ओके तो ये अगर अपने पास गिवन है, इतना मसाला अगर गिवन है, तो फिर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर तो सीधे डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं बेटा। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके तो क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए जरा यहां से मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए बी सी का एरिया द स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एस, इस वाले को एस वन बोल दो ना, वन 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 वन, और ये हो जाएगा एस टू, तो ये हो जाएगा एस टू माइनस कितना डी, एस टू माइनस सी एंड एस टू माइनस ई। फिर एस वन क्या हो जाएगा बेटा अपना, इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल की पेरीमीटर हो जाएगी, तो इस वाले ट्राइंगल की पेरिमीटर ए बी ई, ए प्लस बी प्लस ई इज डिवाइडेड बाय टू, एंड एस टू अपना क्या हो जाएगा ए डी सी ट्राइंगल की पेरिमीटर, सेमी पेरिमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी प्लस ई इज डिवाइडेड बाय टू। क्लियर बेटा, आया समझ में ये? यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, done. Sir, done. Okay, beta? Yes, sir. Okay. उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखिए, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सेकंड बेटा जी, तो फोर्थ नंबर के अपन हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा जी, अपने पास कोई भी अगर सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के ऊपर अगर कोई भी चार पॉइंट अपने पास गिवन है, उन चारों पॉइंट को अगर अपन कोई भी पॉइंट्स हैं, उनको अगर अपन जॉइन करते हैं, तो जो भी अपने को क्वाड्रिलेटरल मिलता है दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ए बी सी और ये हो गया मान लो डी पॉइंट, तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Is that clear? Okay. ये cyclic quadrilateral है। Cyclic quadrilateral में क्या होता है बेटा? Opposite angle जो होते हैं, उनका sum क्या हो जाता है? 180 degree हो जाता है। Opposite angles का sum क्या हो जाता है? 180 degree हो जाता है। Clear है? और इसके अगर area की बात करें, तो area इसका क्या हो जाएगा भाई? Area हो जाएगा the square root of s minus a S minus B, S minus C and S minus D. Where A, B, C, D are sides of quadrilateral and S is equals to A plus B plus C plus D is divided by 2. That means S यहाँ पे क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ओके। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसका एरिया अपन इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो प्रूफ है वो ट्रिग्नोमेट्री से होगा बेटा, ओके। ट्रिग्नोमेट्री जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम में देखेंगे इसका प्रूफ, जब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ेंगे उस टाइम में इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी अगर प्रूफ देखेंगे तो इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ओके बेटा? ओके सर। यस सर। और ये जो भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अपन बोलते हैं ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ओके Yes, sir. Okay. बड़े आगे बेटा। So one minute. Sir, done. Okay. Next, अपन fifth number पे देखते हैं अभी।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओके तो ट्रेपेजियम कौन सा होता है बेटा जिसकी जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो ओके कोई सुंदर सा बनाते हैं बेटा ऐसे क्या बिल्कुल ओके ये अपने पास ट्रेपेजियम ये हो गया अपोजिट साइड अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए तो वो अपना क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम हो जाएगा ये तो क्लियर है सबको ओके यस सर इसको अपन ने अज्यूम किया ये हो गया मान लो ए इसको बी बोल दिया ये हो गया लेट सी एंड ये हो गया अपना डी ठीक है ना ये जो भी साइड लेंथ है इसको अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ ए ओके इसको अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ बी इस पूरी कंप्लीट साइड लेंथ को बोल दिया अपन ने सी है ना ये हो गया अपना ए ये हो गया अपना बी और यहां से ये हो गया अपना क्या लेट इट बी डी ओके यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गई मान लो अपनी हाइट लेट इट बी एच और ये भी हो गई अपनी क्या हाइट हो जाएगी बेटा ये भी अपना क्या हो गया एच हो गया इज दैट क्लियर ओके यहां से अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा AB जो है वो पैरेलल होगा CD के क्योंकि ये ट्रेपेजियम है AB और CD दोनों पैरेलल हैं और यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये A है तो ये वाली साइड लेंथ भी कितनी हो जाएगी A तो हो जाएगी बेटा यस सर ओके इस वाले पॉइंट को अपन ने नेम दे दिया समथिंग कुछ M और इस वाले पॉइंट को अपन ने नेम दे दिया समथिंग कुछ M ओके बोलो बेटा Yes, yes, sir. Okay. इसको अपन ने बोल दिया x और इसको अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ y ओके इस वाली साइड लेंथ को इस वाली लेंथ को y बोल दिया और इस वाली लेंथ को x बोल दिया क्लियर है बेटा यस सर बेटा ये चिड़िया किसके पास बोल रही है इसको बंद कीजिए प्लीज ओके तो देखिए भाई अपन बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी तो ये इक्वल हो जाएगा किसके द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम प्लस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन सी डी ओके प्लस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी एन सी क्लियर है बेटा यहां तक यस सर ओके इसका एरिया क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट ये हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके हाफ इनटू इसका बेस कितना एक्स और हाइट कितना एच तो ये हो जाएगा एक्स एच प्लस एरिया ऑफ एम एन सी डी ये क्या बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा भी ये एच ये ए और ये ए अपोजिट साइड पैरेलल भी है क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा इसमें बेस इनटू हाइट हो जाएगा ए इनटू एच हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्लियर है बेटा ओके नेक्स्ट अपन बात करें इस वाली ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हाफ इनटू एच इनटू कितना हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा बाय टाइम्स एच क्लियर है बेटा यहां तक सबको यस सर यस सर सबको क्लियर है अच्छे से ओके तो ये देखिए भाई इसमें से जैसे मैंने हाफ इंटू एच कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से हाफ एच कॉमन आ रहा है तो हाफ इंटू ये ले लिया अपन ने एच कॉमन तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा जी
यहाँ पे रह जाएगा x, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा y रह जाएगा बेटा जी, ओके, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, ये वाला ah हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा सबको अच्छे से? यस सर, बोलो बेटा। यस सर, ओके चलिए अब अपन देखते हैं ये वाला जो है इसमें से भी h अपन ने कॉमन ले लिया, हाफ इंटू एच, अगर इस पूरे कंप्लीट में से अगर मैंने कॉमन ले लिया ठीक है ना, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा भाई वो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस वाई प्लस यहां से हाफ h, इन दोनों टर्म में इसको कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे हाफ है नहीं, यहाँ पे हाफ नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टू हो जाएगा, एच कॉमन आ गया रिमेनिंग रह गया ए, तो ये तो रह जाएगा, देखिए जरा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ एच, जब एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ एच एक्स प्लस वाई आ जाएगा, प्लस प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एच ये रह जाएगा, वापस ये बन जाएगा, ये एच है समझ में बेटा? यस सर, यस क्लियर है सबको? यस सर, ओके देखिए जरा ये हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना x प्लस वाई प्लस टू ए को लिख सकता हूँ मैं a प्लस ए, इज दैट क्लियर? यस सर, और देखिए जरा x प्लस वाई प्लस ए का वैल्यू ही तो b है अपना, या c बोल दो जिसको, ये तो वैल्यू अपना c है, देखिए जरा x प्लस ए प्लस वाई, ये पूरा कंप्लीट c तो है बेटा, x प्लस वाई प्लस ए, यस सर, ओके तो चलिए जरा यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा मसाला क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा बेटा, तो हो जाएगा सी प्लस ए, ये हो गया अपना सी और ये हो गया अपना ए, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, तो एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच, इसमें क्या था हाइट था बेटा, यस सर, इनटू सी प्लस ए क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इज दैट क्लियर? यस सर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके बेटा? सर वन मिनट, चलो होमवर्क जो भी होगा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि क्या करना है, ठीक है ना? यस सर, ओके बेटा, यस सर, सर डन, ओके चलिए बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बड़े स्प्रेड करो, ओके, ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय सर, बाय।